असलम आज की वीडियो में हम थ्रोम्बोसिस की बात करेंगे अब थ्रोम्बोसिस क्या होता है बेसिकली तो जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्लॉट बन जाए तो देर से चांस कि वहाँ पे जब वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सा बड़ा ब्लड क्लॉट होगा किसी भी डैमेज साइड पे वो थ्रोम्बोसिस करा सकता है और जो थ्रोम्बोसिस होती हैं थ्रोम्बोसिस की बेसिकली बेसिकली एक वर्चाओ ट्राइड है वर्चाओ ट्राइड क्या है कि उसकी तो तीन मेन कॉजेज़ होती हैं एंडोथीलियल इंजरी एब नॉर्मल ब्लड फ्लो एड नॉर्मल ब्लड फ्लो कुड आइडेड भी ब्लड स्टेसिस जो कि ब्लड की स्लोविंग डाउन जाती है या ब्लड टर्बुलेंस जो कि बहुत ज़्यादा रैपिडली ब्लड फ्लो हो रही होती है एंड हाइपर कोगलेबिलिटी स्टेट्स तो अभी हम इन तीनों चीज़ों की जरा डिटेल में बात करेंगे एंडोथील इंजरी की सबसे पहले बात करते हैं अब जो एंडोथीलियल इंजरी होती है उसके साथ उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से प्लेटलेट्स एक्टिवेशन हो जाती है और जैसी प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है तो ये ज़्यादातर देखा गया कि जो आपकी कार्डिक यानी जो हार्ट की साइट है और जो आर्टेरियल साइट है वहाँ पर ज़्यादातर वो क्लॉट जो वहाँ पर ज़्यादातर क्लॉट्स बनते हैं एंडोथिलियन इंजरी की वजह से क्योंकि ये देखा गया कि जो हार्ट में और जो जो आर्टेरियल साइड्स पे जो क्लाट्स मिले उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स हमें क्या कहते हैं मिलते हैं तो एंडोथिलियन इंजरी की वजह से विनो के प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है और जो हमने पीछे सारे फैक्टर्स पड़े जब प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी वो कैसे होगी क्योंकि जब एंडोथिलियम इंजर्ड होगा तो नीचे वो सब एंडोथिलियन लेर को वो कर देगा एक्सपोज कर देगा जिसकी वजह से वन वेलीबेंट फैक्टर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और टिश्यू फैक्टर आपका रिलीज हो जाएगा वो भी एक्सपोज हो जाएगा इट विल लीड टू क्या कहते हैं इट विल लीड टू थ्रोम्बोसिस ऑल्सो वी नो कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन में भी एंडोथीलियल इंजरी हो जाती है और जो 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 इन्फ्लीमेशन होती है इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि हमें मैंने पहले पढ़ाया था कि जो एंडोथीलियम होता है वो सबसे बड़ा एंटी कॉगलेंट है लेकिन क्या कहते हैं जब वो एंडोथीलीम इंजर्ड हो जाएगा तो वो क्या बनेगा वो प्रोकागलेंट बन जाएगा या प्रो थ्राम बोटिक बन जाएगा अब उन्होंने यहाँ पर कुछ इफ्लेमेशन की वो बताई गई कॉजेस के इट कु डी ड्यू टू ये जो एंडोथिलियल इंजरी बाई इन्फ्लेमेशन होती है भी ड्यू टू एनी फिजिकल इंजरी इन एक्चर्स है जिन्हें सब नॉर्मल बेट्रो इफ्लेट्री मीडिएटर्स मेटाबोलिक एमिलिटी हाइबरकोलेस्टोलीमिया

डाउन डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ थ्रोम्बोमोडूलिन थ्रम्बो मॉडोलिन जो मैं पिछली वीडियो में तर सही से बता नहीं सकता था थ्रोमोमोडूलिन वॉस एंटी थ्रोबोटिक प्रोटीन जो कि थ्रोबिन के साथ अटैच होती है फिर हमने देखा था कि थ्रोम्बिन और थ्रोमोमोडूलिन का जो वो था थ्रोम्बिन uh, और थ्रमोमोडिलन का जो कॉम्प्लेक्स था वो बेसिकली प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर रहा था जिसकी वजह से फैक्टर फाइव और फैक्टर एट इन्हें हो रहे थे अब यहाँ क्या होता है ये थ्रोम्बो मॉडलिंग को क्या करता है उसका एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट करते हैं जिसके से जो प्रो कोगोलेंट और प्रो इन्फ्लेमट्री एक्शन होते हैं थ्रोम्बिन के क्योंकि थ्रोबिन थ्रॉबो मॉडलिंग साथ अटैच नहीं पाएगा तो वो जो थ्रोम्बिन के प्रोगोलेंट और प्रो इफ्लेमट्री एक्शन थे वो हो जाएंगे और ये साथ में कराता है कि डाउन रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एंटी कोगोलेंट सचेज प्रोटीन सी एंड टिश्यू प्रोटीन फैक्टर इनहिबिटर और इसके एंडोथिलियम के प्रो कोगोलेंट बनने से और प्रो इन्फिलमेटरी बनने से एंटी फ़िब्रोनेटिक अफेट्स देखे जाते हैं एंटी फिब्यूटिक्स क्या देखा जाता है कि जो एंटोथिलस एक्टिवेटेड हो गए होंगे ये जो डिस्फंक्शन का फिनोमुना चल रहा होता है बेसिकली ये प्लाजमिनोजिन एक्टिवेटेड इनहबिटर को एक्टिवेट करते हैं और जो प्लाजमिनोजन एक्टेट प्लाजमिनोजिन एक्टिवेटेड इन्हबिटर है ये बेसिकली टिशू प्लाजमिनोजिन एक्टिवेटर को इनहबिट कर देता है जिसकी वजह से फिब्यूनोलैसिस नहीं होतीस नहीं होती तो ज़्यादा ज़्यादा क्लॉट बनता रहता है और जो होते हैं, वो आपके सेंटर में ट्रैवल कर रहे होते हैं जब टर्बुलेंस होती है तो टर्बुलेंस की से क्या होगा याद रखना टर्बुलेंस की वजह से आपकी आर्टीरियल और कार्डिक थ्रोम्बोसिस होंगे क्योंकि वो एंडोथिलियल इंजरी कराएंगे और डिस्फंक्शन करा रहे होंगे डिस्फंक्शन का ये पूरा प्रोसेस था जब जब स्टेसिस होगी ना यानी ब्लड की स्लो डाउन हो जाएगी तो स्टेसिस में क्या बनेगा स्टेसिस में आपके वीनस थ्रोम्बाई बनेंगे याद रखनी कि ट्रेबुलेंस में आर एंड कार्डिक कार्डिक थ्रोम्बोसिस है स्टेसिस में वीनस थ्रोम्बोसिस और वो भी क्या कराते हैं कि, कि दे प्रमोट एंडोथिलियल एक्टिवेशन डिस्टर्ब फ्लो एंड दे प्रिवेंट वॉश आउट एंड डाइल्यूशन ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स बाय फ्रेश फ्लोइंग ब्लड एंड द इनफ्लो ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इनहिबिटेड और इसकी कुछ कॉजेज उन्होंने लिखी हुई कि किन किन कॉजेज़ में होते हैं एक तो अल्सरेटेड अथीरो सेक्लोरोटिक प्लेक्स में देखा गया कि दे एक्सपोज सी वन वेब्रेंड फैक्टर दे एक्सपोज टिश्यू फैक्टर और ये टर्बुलेंस भी कराते हैं जिसकी वजह से आपके थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं एयोटिक और आर्टीरियल एनोरिज्म में देखा जाता है कि वो एयोटा की जो वैसल है और जो आर्टीरियल वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं जिसकी वजह से स्टेसिस होती है और स्टेसिस की होने की वजह से आपको थ्रोम्बोसिस हो जाता है एक्यूट मायोकार्डियलियन इन्फॉक्शन की वजह से भी क्या होता है कि इट रिजल्ट इन एरियाज ऑफ नॉन नॉन कॉन्ट्रेक्टायल मायोकार्डियम एंड समाइम्स इन कार्डिक एनोरिज्म जिसकी वजह से अगेन स्टेसिस होती है जिसकी वजह से अगेन आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है रोमैटिक मिट्रल वायल्स टीनोसिस में भी ये होता है कि इट रिजल्ट इन लेफ्ट आर्ट एट्रियल डायलेशन जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से आपको स्टेसिस हो सकती है जिसकी वजह से अगेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है हाइपर विस्कोस्टी की स्टेट्स में जिस तरह पोलिसाइड वेरा में ये देखा जाता है कि जब पोलिस वेरा होता है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फ्लो को और वो अगेन स्मॉल वेसल्स में स्टेसिस करा सकते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस बन सकता है और रेड और सिकल सेल एनीमिया में ये देखा गया कि सिकल सेल एनीमिया में जो रेड सेल्स होते है उनकी हैं उनकी शेप डिफॉर्मड हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो को इंपीड कर देते हैं थ्रू स्मॉल वेसल्स एंड अगेन दे रिजल्ट इन स्टेसिस विच अगेन्स प्रीडिस्पोजिस टू थ्रोम्बोसिस अब हम पढ़ते हैं अपनी जो थर्ड कंडीशन थी हाइपर कोगुलट हाइपर कोगुलपर कोगुलबिलिटी स्टेट्स हाइपर कोगलेबिलिटी स्टेट्स कौन सी होती हैं अब इनके दो कॉजेज़ होते हैं ये ये देखा गया कि ज़्यादातर वीन्स में आपका वीनस थ्रोम्बोसिस कराती हैं दे कैन बी प्राइमरी इसके लिए टेबल भी याद कर सकते हैं प्राइमरी विच आर जेनेटिक एंड सेकेंडरी विच आर एक्वायर्ड जो जेनेटिक होती हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है फैक्टर फाइव की म्यूटेशन और प्रोथ्रोम्बिन जीन की म्यूटेशन फैक्टर फाइव की फैक्टर फाइव म्यूटेशन ये देखी गई कि फैक्टर फाइव लीडन एक म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से जो फैक्टर फाइव होता है जो कि हमारा कॉगलन क्लॉटिंग फैक्टर था फैक्टर फाइव बेसिकली क्या हो जाता है इट बिकम्स रेजिस्टेंस टू क्लीवेज और वो प्रोटीन सी से इन प्रोटीन सी से एक्टिवेट न, नहीं हो पाता जो ये वाला हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो प्रोटीन सी थी वो फैक्टर फाइव को इनएक्टिवेट करती थी बेसिकली होता है क्या फैक्टर फाइव की म्यूटेशन में फैक्टर फाइव लेडन में कि ये पॉइंट म्यूटेशन होती है इसमें जो फैक्टर फाइव है वो इनक वो इनैक्ट अपना क्या कहते हैं इनएक्टिवेट नहीं हो पाता वो क्लीवेज उसकी नहीं हो पाती ब्रेक डाउन नहीं हो पाता इस वजह से वो ज़्यादा ज़्यादा रहेगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन कराएगा और वो थ्रोम्बोसिस की तरफ लेके जाएगा कंडीशन को और ये देखेगा कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होती है प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन क्या होती है कि वो यूजली पॉइंट म्यूटेशन होती है उसमें थ्री अनट्रांसलेटेड रीजन पे देखी जाती है प्रोथ्रोम्बिन जीन के उसमें क्या होता है कि जो उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगेंस्ट में प्रोथ्रॉम्बिन जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हो पाता जब ब्रेक ब्रेकडाउन नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन विल लीड टू मोर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन जिसकी वजह से अगेन ज़्यादा प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे ज़्यादा प्लेटलेट्स एग्रीगेट करेंगे जिसकी वजह से अगेन ब्लड क्लॉट बढ़ेगा एंड थ्रोम्बोसिस हो सकता है कुछ जो रेयर्स होती हैं रेयर uh, क्या uh, कहते हैं कॉजि जो होती हैं हाइप्रोकॉकटी हाइपरकोकलीबिलिटी स्टेट्स में डेफिशेंसीज ऑफ एंटीकॉकुलस्टर एंटी थ्रामिन थ्री हो गया प्रोटीन सी हो गया प्रोटीन एस हो गया अगर इनकी डेफिशेंसीज हो जाएंगी तो उसमें भी आपको वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं और कुछ जो वेरी रेयर डिजीज होती है वो एक होमोसिस्टीमा जो कि हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी होमोसिस्टिनीमा में क्या होता है एक एनजाइम सिस्टर थाबीडा था सिंथेटेस इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसीज ऑफ वाइटामिन बी सिक्स बी ट्वेल्व या फॉलिक एसिड एंड इसके जैसे क्या होता है कि जो होमोसिस्टीन होते हैं होमोसिस्टीन ब्लड में बढ़ता है होमोसिस्टीन क्या कराता है वो प्रो थ्राम बॉटिक अफेक्ट्स करता है जिसकी वजह से अगेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है अब हम आते हैं एक्वायर्ड स्टेट्स में एक्वायर्ड कौन सी होती हैं जो सेकेंडरी होती हैं उसमें यूजली प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट आ जाता है एम मोबलॉजेशन आ जाती है एम आ जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाती है टिश्यू इंजरी कैंसर डिससेमिनेटरी इंट्रावेस्कुलर कॉगलेशन और ये देखा गया है कि आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ या हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये भी आ, आ, ये कहते हैं थ्रो हाइपरकोगलिबिलिटी स्टेट कॉज कराती है क्योंकि ये करती क्या है कि इसकी वजह से आपका जो लिवर होता है लिवर ज़्यादा से ज़्यादा प्रो प्रोकोगलेंट प्रोटीन्स को सिंथेसाइज़ कर रहा होता है और जो एंटी कोगोलेंट प्रोटीस होती हैं एंटी फैक्टर्स जो होते हैं उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर करता गया करता रहता है ये देखा गया कि जैसी आपकी एज बढ़ती रहती है तो एज बढ़ने की वजह से जो एंडोथीलियल प्रोस्टाग्लैंडिन लैंडन आई की प्रोडक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है और पोस्टर आई टू का फंक्शन कहता है कि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इन्हेबिट करता है जब उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो अगेन इट विल लीड टू तो थ्रोम्बोसिस और स्मोकिंग और ओबिसिटी भी आपको थ्रोम्बोसिस करा सकती है लेकिन जो मोन मोस्ट जो कॉमन है सेकेंडरी में वो एक दो कंडीशन आती हैं है, इंड्यूसड थ्रोमोसाइड पीनिया सिंड्रोम हिट सिंड्रोम एंड एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम अब एच एच टी सिंड्रोम क्या होता है एच आई टी सिंड्रोम यूजली क्या कहते हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हैपरिन देखा जाता है इसमें बेसिकली क्या होता है इसके लिए ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है इसमें इसमें बेसिकली ये होता है कि ये प्लेटलेट का स्ट्रक्चर बताया हुआ और हमने पीछे पढ़ा था कि प्लेटलेट जैसे एक्टिवेट होते थे वो एक्टिवेट होने के बाद अपने कुछ जो ग्रेन्यूल्स होते थे अल्फा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स उनको रिलीज़ करते थे अब होता क्या है प्लेटलेट्स के पास जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है पी एफ़ फोर अब होता क्या है जैसे ही हमने हेपरिन को एडमिनिस्टर किया प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए प्लेटलेट्स के एक्टिवेट होने से एल्फा ग्रैन रिलीज़ हुए एल्फा ग्रैन में से पी एफ़ फोर रिलीज़ हुआ हेपरिन और पी एफ़ फोर आपस में बाइंड करते हैं और उनके बाइंड होने की वजह से एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाती है उनके स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से वो एक नियो एंटीजन बना देते हैं और ठीक है हेपरिन और पी एफ़ फोर ने मिल के एक न्यो एंटीजन बना दिया अब ये जो नियो एंटीजन बनता है ना इसके खिलाफ फिर बनती हैं एंटीबॉडीज़ आई जी जी इसके खिलाफ बनती हैं अब होता क्या है कि वो जो आई जी जी जो बनी है पी एफ़ फोर के जो पी एफ फोर है, हैपरिंग के ख़िलाफ़ तो वो जो कॉम्प्लेक्स होता है ये दिखाया हुआ है एंटी हैपरिंग प्लस पी एफ फोर आई जी जी कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है ये जो प्लेटलेट पे एफ सी रिसेप्टर साइट है ना एंटीबॉडीज़ की अटैचमेंट साइट वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाता है जिस तरह ने यहाँ पे दिखाया हुआ है और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स अटैच होता है उसकी वजह से होता है क्या इसकी वजह से फर्दर प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है जब फर्दर प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी फर्दर एल्फा ग्रेन्यूल्स रिलीज़ होंगे फर्दर ये वाला प्रोसेस बनेगा और फर्दर प्लेट एग्रीगेशन होगी फर्दर प्लेटेड एग्रीगेशन के थ्रोम्बोसिस होगा हो और इसमें क्या होता है इस कंडीशन का नाम क्या थ्रौंगोसेट उपीनिया। थ्रौंगोसेट उपीनिया होता है कि हेप्रेन इंड्यूस थ्रोम्बोसेटो पी क्या होता है कि प्लेटलेट्स का डिक्रीज हो जाना वो कैसे होता है वो ऐसा होता है कि बेसिकली जो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है ना कि ये आई जी जी है ये अपने प्लेटलेट के एफ सी जैसे बाइंड हुई उसके साथ हैप्रेन और उसके साथ वो जो न्यू एंटीजन बना था वो भी बना हुआ है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली ये वाला कॉम्प्लेक्स रिमूव कैसे होता है मैक्रोफेजेस इसको आकर डिटेक्ट करते हैं और मैक्रोफेजेस इस तरह के प्लेटलेट्स को इनजस्ट कर देते हैं इसी वजह से इस कंडीशन का नाम दिया जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है इसमें थ्रोम्बोसिस तो हो रहा होता है जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से लेकिन इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पीने भी हो रहा होता है क्योंकि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है ये मैक्रोफेजेस आकर डिटेक्ट कर रहे होते हैं और वो इसको इन्जस्ट कर रहे होते हैं यही पूरी चीज़ इन्होंने इस पैराग्राफ में लिखी हुई है और इसको ये बताया हुआ है कि आ, ये होता है कि ये दोनों वेंस और आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस करा सकता है और इसके साथ और क्या सिम्टम्स होते हैं नेक्रोसिस ऑफ स्किन गैंग्रीन ऑफ लिम्स स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन फिर एक आपके पास क्या कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ आती है वजह इस नॉन एज एंटी फॉस्फोलिपिट एंटीबॉडी सिंड्रोम इसमें क्या होता है इसमें यह देखा जाता है कि इसमें बेसिकली आपके फॉस्फोलिपट्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और क्या कहते हैं वही एंटी फोस्फोलेटेड एट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और ये वेंस में या आर्टरीज में थोड़ा करा सकता है उसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाती है इसमें देखा जाता है कि जो प्रेगनेंसी होती है प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी की काफ़ी कॉम्प्लिकेशन मिलती हैं सच्चाई रिकरेंट मिसकेरेजेस अनएक्सप्लेंड फीटल डेथ एंड प्रीमेचोर बर्थ ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है प्राइमरी में तो ये होगा कि अगर पहले से कोई और ऑटो सॉरी जो सेकेंडरी होगा ना सेकेंडरी तो वैसे होगा कि कोई पहली से एक ऑटोम डिजीज़ हो जिस तरह सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस और उसकी वजह से एंटीफॉस्फोलिपट एंटीबॉडी सिंड्रोम हो गया तो वो सेकेंडरी होगा प्राइमरी में क्या होता है प्राइमरी में ये देखा गया कि प्राइमरी में देर इज अ चांस के आपको जब ये हो ये वाला जो कंडीशन हो तो इस कंडीशन के साथ साथ आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्योंकि ये वाले कंडीशन में क्या होता है कि आर्टरीज में या वेंस में दोनों जगहों पे थ्रोम्बोसिस हो सकता है अब डिपेंडिंग अपॉन थ्रोम्बोसिस हुआ क्या है अगर तो वेंस में हुआ होगा इट कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म इट कैन लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर आर्टरीज में हुआ होगा तो इट कैन लीड टू वेलफुल हार्ट डिजीज़ कैन लीड टू स्ट्रोक बाउल इन या रीनोवेस्कुलर हाइपर टेंशन इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी पैथोजेनेसिस ये होती है कि वो एंटी फॉस्फोलिपट ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती ना वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मेम्रेन होती है या जो फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिस तरह कार्डियोलिपिन या बीटा टू गाइकोपोटी आए ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं एंड ये वाली जो प्रोटीन्स होती है ना ये जो बीटा टू गाइकोर प्रोटीन जो होती है ये बेसिकली कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है आपके एंडोथियल सेल्स में आपके मोनोसाइट्स में आपके प्लेटलेट्स में यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि मैं प्लेटलेट्स में भी पता था कि प्लेटलेट्स में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जहाँ पे कॉगोलेशन फैक्टर्स की असेंबली होती है अब होता है कि जिन जगहों पे ये वाली प्रोटीन पाई जा रही थी उसके खिलाफ बनी एंटीबॉडी उसके खिलाफ जब एंटीबॉडी बनती है तो उसने किया कि उसने जैसी इसको ज़... इसके खिलाफ जब वो आई एंटीबॉडी तो उसकी वजह से जिन सेल्स पर ये थी एंडोथील सेल्स मोनोसाइड्स प्लेथिट्स उन सब की एक्टिवेशन हो जाती है और उन सब की एक्टिवेशन की वजह से ये देखा जाता है कि आपको थ्रोम्बोसिस कॉस हो जाता है और एंडोथीलियल सेल्स और मोनोसाइट्स की एक्टिवेशन की वजह से ये भी देखा गया कि देर इज एविडेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ फाइब्रोनोलाइटिक प्रोसेस और इसमें एक और बात इसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन क्यों मिलती हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन याद रखना है वो थ्राम बोसिस की वजह से नहीं मिलती है। वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटीबॉडीज़ क्या कर आती हैं एंटीबॉडीज़ बेसिकली डिफ्रेंशिएशन और ग्रोथ ऑफ़ प्रोफोब्लास्ट के साथ इंटरफेयर करने लग जाती हैं जिसकी वजह से इट लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लासेंट प्लासेंटेशन जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं और ये देखा गया कि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि अगर थोड़ी सी भी होंगी तो फुल ब्रोन सिंड्रोम करा देती हैं ये नॉर्मल हम में भी हो सकती हैं नॉर्मल इंडिविजुअल में भी ये फाइव टू फिफ्टीन परसेंट होती हैं इनको एक्टिवेट होने के लिए एक सेकेंड हिट चाहिए होता है सेकेंड हिट क्या हो सकता है कि अगर कोई बंदा में किसी कोई इन्फेक्शन आ गया हो, हो या कोई फीमेल प्रेगनेंट हो गई हो या स्मोकिंग करते हो अगर ये सेकेंड हिट मिलेगा तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये वाली एंटीबॉडीज़ आपकी एक्टिवेट हो जाएँ जब वो एक्टिवेट होंगी तो वही सारा सिंड्रोम कराएंगी जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस जो कहते हैं मिल सकता है हमको विशवाज इन अदर कॉज ऑफ़ हाइप्रोकॉगलेबिलिटी स्टेट अब हम बात करते हैं कुछ मॉर्फोलॉजी की मॉर्फोलॉजी में अच्छा मॉर्फोलॉजी का याद रखना है जो थ्रोम्बोसिस है वो हमेशा जब भी बनेगा जहाँ भी बनेगा इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ हार्ट मतलब अगर तो वो आर्टरीज़ में बन रहा है ना तो आर्टरीज क्योंकि हार्टरीज का काम होता है वो ब्लड को हार्ट से अवे पंप करती हैं तो आर्टरीज में जो बनेगा थ्रोम्बोसिस थ्रॉम्बोसिस रेट्रोगेट पोजिशन में बनेगा टू वर्ड्स अ डायरेक्शन ऑफ हार्ट वेर एस वेंस वेंस ब्लड को टू वर्ड्स हार्ट्स लेकर जाती हैं तो वेंस में जो थ्रोम्बोसिस बनेंगे वो किधर बनेंगे इट दे विल बी जो वेंस में बनेंगे दे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो यानी टू वर्ड्स हार्ट ये याद रखना कि थ्रोम्बोसिस आपका हमेशा टू वर्ड्स हार्ट की डायरेक्शन में बनता है और जो प्रोपेगेशन पोर्शन होता है ना थ्रोम्बोसिस का वो यूजली पोरली अटैच होता है जिसकी वजह से वो फ्रेगमेंटेट कर सकते हैं और वो फिर एम्बोलाइज कर सकते हैं एम्बोलिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एम्बोलिज्म क्या होता है और थ्रोम्बोसिस की कुछ माइक्रोस्कोपिकली या ग्रॉस फीचर्स क्या हैं कि इसमें आपको लाइंस ऑफ़ जैन मिलती हैं लाइंस ऑफ जैन क्या होती हैं वो डार्क लाइंस पर लाइट लाइन्स पर डार्क लाइंस पर डार्क फिर लाइट लाइंस बेसिकली एक पैटर्न सो होता है कि जो लाइट लाइंस होती हैं लाइट लाइंस के अंदर हमको प्लेटलेट्स मिलते हैं और फाइब्रिन डिपॉजिट्स मिलते हैं वेरस डार्क लाइन्स में हमको रेड सेल की लेयर मिल रही होती है और जो ये वाली लाइन्स ऑफ़ जैन होती हैं इंपॉर्टेंट इसकी होती हैं क्योंकि देखा गया कि जो एंटी मार्टम क्लाट्स होते हैं उनमें लाइन्स ऑफ जैन मिलती हैं वेरस पोस्ट मार्टम क्लॉट्स में लाइन ऑफ़ जैन नहीं मिलती एक और बात जो एंटीमार्टम पोस्टमार्टम क्लॉट्स में मिल सकती है जो एंटीमार्टम क्लॉट्स होते हैं दे आर यूजली अटैच टू द वेसल वॉल एंड दे आर फर्म वेयर एज जो पोस्ट क्लॉट्स होते हैं वो यूजली जेलेटिनस होते हैं एंड दे आर नॉट अटैच टू द अंडर लाइन वैसल वॉल और पोस्टमार्टम क्लॉट्स का ये भी देखा गया कि उनमें डार्क रेड डिपेंडेंट पोर्शन होते हैं और जो क्या कहते हैं उनमें येलो सी चिकन फैट की पोर्शन भी हमको मिलता है उसके बाद क्या होता है कि जो अगर थ्रोम्बोसिस किसी भी हार्ट की चैम्बर में मतलब राइट एड के राइट एंट्री लेफ्ट एडम या लेफ्ट एंट्री या एयर्टिक ल्यूमिन में आपका कॉज हो जाए तो उस तरह के थ्रोम्बोसिस को हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बाई है। और अगर तो वो किसी चैम्बर में कॉज हो रहा है तो उसमें चैम्बर अगर तो किसी चैम्बर में बन रहा है चैंबर की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं कोई अरेजमिया हो गया हो डायटिक कार्डियो हो गई हो माओकार्डियन फक्शन हो गया माएकार्डाटिस हो गया या कैथे से ट्रोमो हो गया और अगर तो वो एयोटा में बन रहा है एयोटिक ल्यूमिन में बन रहा है म्यूरल थ्रोपा तो उसकी तो क्या कॉजेज हो सकती है अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक हो हो सकती है एनोरिजम डायलेशन हो सकती है आर्टीरल थ्रोम्पाई यूजली क्या होते हैं ऑक्लूसिव होते हैं कौन कौन सी इनकी कॉमन साइड्स होती हैं कॉररी वेसल सबसे कॉमन होती है उसके बाद सेरेब्रल आर्टरी और उसके बाद फीमोरल आर्टरी यहाँ पे बन सकता है और इनमें क्या देखा जाता है कि दिल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फ्राइबल मैशवर्क ऑफ़ प्लेटलेट्स देखे जाते हैं इनके अंदर फिब्रेन देखे जाते हैं रेड सेल्स देखे जाते हैं और डीजनरेटिंग ल्यूकोसाइड्स देखे जाते हैं वेरस जो वीनस थ्रामबोसिस होते हैं वीनस थ्रामबोसिस को हम रेड थ्रोम या यास ट्रेसो कहते हैं क्यों क्योंकि वीनस थ्रामबोसिस के अंदर रेड सेल्स का आपके रिलेटिवली ज़्यादा देखे जाते हैं कि दे कंटेन मोर इन मैस रेड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो यूजली फ्यू देखे जाते हैं इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है रेड और ये कहाँ पर कॉमन होते हैं जो 90 परसेंट आपके वीनस थ्रोम्बोसिस इवन तो ये किसी भी वीनस में बन सकते हैं डूरल साइनसिस में बन सकते हैं आपके पेरी यूट्राइंग वीन्स में बन सकते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन होते हैं जो 90 परसेंट हमें मिलते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस वो हमको जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की वेंस होती हैं जो सुपरफिशियल या डीप वेंस होती हैं लेग्स की वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है वीनस थ्रोम्बोसिस हमको मिलते हैं और अगर कोई है आपकी हार्ट की वाइल्स में प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम कहेंगे वेजिटेशन ठीक है ये कुछ वो हैं कहते के हैं एक तरह से डेफिनेशन देंगे अगर तो हार्ट वेल्व में बन गया थ्रोम्बस तो वेजिटेशन कहलाया जाएगा अगर तो चैम्बर में बन गया तो वो म्यूरल थ्रोम्बो कहलाया जाएगा और ये देखिएगा कि अगर तो वो जो हार्ट वेल्व पे जो थ्रोबो बनता है अगर तो वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इफेक्टेड हो जाए मतलब किसी बैक्टीरिया आके उस थ्रोम्बोस को या उस वेल्व को इन्फेक्ट करे और इन्फेक्ट करने के बाद फर्दर डैमेज कर दे वहाँ पर फर्दर थ्रोम्बोसिस बन जाए तो उस तरह के थ्रोम्बोसिस को हम कहेंगे इन्फेक्टिडोकॉडाइटिस वेरस अगर किसी हाइपर कोगलेबिलिटी स्टेट की वजह से कोई वेल्फ डैमेज हो एंड वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बने किसी बैक्टेरियल इन्फेक्शन की वजह से आपकी वेल्फ ना डैमेज होगी और नॉन थ्रोम्बोसिस हुआ तो उस तरह के थ्रोम्बोसिस को हम कहेंगे नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बिक थ्रोम्बोटिक या उस तरह के वेल्फ डैमेज को हम कहेंगे नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस अब फेट क्या होती है थ्रोम्बस की एक तो ये कि वो फर्दर प्रोपरगेट करेगा ड्यू टू तो अकोमिडेशन ऑफ एडिशनल प्लेटलेट्स एंड फिबरिन या तो वो एम्बोलाइज़ज़ज़ कर जाएगा एम्बोलाइज क्या होता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो अपनी साइड से डिसज करेगा और डिसलॉज होकर किसी और जगह पे जाके वो कर जाएगा अकोमलेट कर जाएगा या उसकी डिसोल्यूशन हो जाएगी कि जो एंड फिब्रील लो, फिब्रील इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और जो थ्रोम्बस है उसको डिसोल्यूट करने लग जाएंगे लेकिन इसमें याद रखना है कि जो ओल्ड थ्रोम्बोए होते हैं वो यूजली मुश्किल से फिब्रिनज होते हैं वेरस जो फ़ोरन uh, जो अभी का भी थ्रोम्बस बना होगा वो जल्दी से जल्दी फिबुनलाइज हो जाएगा ये दिखा गया है कि जो एक्यूट क्रोनरी थ्रोम्बोसिस होती है एक कंडीशन उसमें अगर आप फ़ोन से टी पी एडमिनिस्ट्रेट कर दें तो वो वाला थ्रोम्बस फ़ोन से वो हो जाएगा डिसोल्यूट uh, कर जाएगा वेरस अगर आप उसको कुछ दिनों के बाद वो एडमिनिस्टर करेंगे वाला कंपाउंड या कुछ घंटों के बाद एडमिनिस्टर करने वाला कंपाउंड देन वो इट विल टेक टाइम टू डिसोल्यूट और उसकी क्या एक और फेट है ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकनलाइजेशन कि क्या बेसिकली जो ओल्डर थ्रॉम्बा है वो क्या करेगा वो जो एंडोथीजियल सेल्स हैं उसके अंदर उस थ्रम्बाई के अंदर एंडोथीजियल सेल्स की स्मूथ मसल सेल्स की और फाइब्रोब्लास्ट की इन ग्रोथ होने लग जाएगी और वो रिकनलाइज होकर आपका एक स्मॉल सा कनेक्टिव uh, टिश्यू बन जाएगा और वेसल वॉल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ये इसकी इकॉर्फ्रिएट है प्रोपोगेशन एम्बोलाइजेशन डिसोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकेनालाइजेशन लास्टली वीनस थ्रोम्बोसिस वीनस थ्रोम्बोसिस मैंने अभी का सबसे कॉमन आपके कहाँ पे होते हैं जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में या तो सुपरफिशियल या डीप वेंस में बन सकते हैं लेग की अगर जो सुपरफिशियल वेंस में बनेंगे जिस तरह एग्जाम्पल आती है अगर तो सुपरफिशियल वेन में बनेंगे जिस तरह एग्जाम्पल आती है सेफनस वेन की तो सेफनस वेन में देखा गया कि सेफनस वेन पे बनने से वो जो ओवर एक तो सिम्टम्स आपको मिलेंगे लोकल कंजेशन स्वेलिंग पेन और टेंडरनेस और जो ओवरलाइन स्किन होगी दे विल प्री डिस्पोज ओवरलाइन ओवरलाइन स्किन टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शंस एंड अल्सर्स जिसको हम वेरी अल्सर्स कहते हैं अगर तो डी पेंस में थ्रोम्बोसिस बनेंगे डी पेंस में सबसे कॉमनली जो देखे जाते हैं वो उन डी पेंस में देखा जाते हैं जो नी की साइड पर होती हैं या नी से अबव होती हैं जिस तरह ऑप्लेटल वेन होगी फीमोरल वेन होगी गई इलियक वेन हो गई ये वाले काफ़ी डेंजरस होते हैं क्योंकि ये वाले हम आगे भी पढ़ेंगे जो डी पेंस थ्रोम्बोसिस होते हैं ये बेसिकली दे कैन एम्बोलाइज एंड दे कैन देन आफ्टर एम्बोलाइजिंग दे कैन Uh, क्या कहते हैं जे करते क्या कि कह आपकी लंग्स की डायरेक्शन में जाके लंग्स की तरफ जाके वहाँ पे एम्बोलाइज़ कर देते हैं एंड देखेंगे राइज टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी इन्फॉक्शन जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में डिपेंड स्थान बहुत से बनते हैं कि क्या कौन से कॉजे हैं यही बेड रेस्ट होगी गई होगी हो गई हो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो गई या कोई इंजर्ड टिश्यूज़ की वजह से ज़्यादा प्रोकॉगोलिन रिलीज़ हो रहा हो या आपकी हेपेटिक सिंथेसिस बढ़ी हो कोगुलेशन फैक्टर्स की और जो टी पी ए की प्रोडक्शन है वो डिकीज हुआ इनकी वजह से आपको जो डीप वेल फ्रॉम्बोसिजम वो सारे हो सकते हैं एक ट्रोशियोर सिंड्रोम होता है ट्रोशियोर सिंड्रोम क्या होता है बेसिकली इट इस ट्यूमर एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन एंड कॉकुलेशन फैक्टर्स एज वेल एस प्रोकॉगुलस रिलीज फ्राम ट्यूमर सेल्स ऑल कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज डिस्क ऑफ फ्रॉम्बो एम्बेजम थ्रोबो एम्बोलिज्म इन द डिस्मिनेटेड कैंसर सोप कॉल माइग्रेटरी फ्रॉबोफेबाइटिस या ट्रोशियो सिंड्रोम आर्ट्रील फ्रॉमबोस या कार्डियरबोस की क्या केंद या ट्रबुलेंसी जैसे बनेंगे उसकी जो कॉजेज थी वो मैंने पीछे बता दी थी कि हमारे कार्डियन अथिरटिक्लाक इन सबकी वजह से आपके आर्ट्रज़ में थ्रौ, वो थ्रोम्बस बन सकता है फिर लास्टली एक कंडीशन होती है डिस्सेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन ये होती क्या इट इज़ अ वाइड स्प्रेड ऑफ थ्रोम्बोसिस विद इन द माइक्रो सर्कुलेशन विच मे बी सडन ऑफ ऑनसेट और यह कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं होती बट रादर अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंडीशन असोसिएटेड विद सिस्टेमिक एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन सिस्टेमिक ओवरऑल एक्टिवेशन हो जाएगी थ्रोम्बिन में और आपके वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस होने लग जाएगी माइक्रो सर्कुलेशन में और जब ये माइक्रो सर्कुलेशन में थ्रोम्बस बनेगा तो उसकी वजह से आपके अगर किसी ऑर्गन में बन गया वहाँ पे ऑर्गन डिस्फंक्शन करा सकते हैं जिस तरह ब्रेन में जाके वो ऑर्गन डिस्फंक्शन करा सकते हैं लंग्स की ऑर्गन डिस्फंक्शन करा सकता है हार्ट्स की और किडनीज की लॉन्ग ऑर्गन डिसफंक्शन करा सकता है सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू